बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाम डी ए स्टूडेंट्स है आप खैरियत होंगे ठीक ठाक होंगे सर्दी के भरपूर मौसम से लत्फानंदोज़ हो रहे होंगे लेकिन मैं एक बात जो है वो हमेशा कहा करता हूँ कि अपनी मेदारियों को नहीं भूलना है जो तलब इम अपनी मेदारी को पूरा करता है वो कभी भी नाकाम नहीं होता और जो बच्चा अपनी म्मेदारी को छोड़ देता है वो यकीन जो है वो नाकामयाब हो जाता है और फिर उसका इल्ज़ाम भी जो है वो दूसरे फैक्टर्स को देता है तो हमने कोशिश करनी है कि अपनी जुम्मेदारी को जो है वो साथ साथ पूरा करते रहें आपका है जी पार्क स्टडीज़ इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर फाइव चल रहा था उसमें हमारे पास जो टॉपिक्स हैं मजलिस शुरा के फ़्राइज़ यानी ड्यूटीज ऑफ तो पार्लिमेंट हमने पढ़ लिया था फिर हमने पढ़ना है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर या वफाकी इंतज़ामिया तो ज़रा मैं इसकी स्पेसिफिकेशन लिख लूँ तो फिर जो है वो करते हैं जी आपका टॉपिक है वफाकी इंतज़ामिया आप लोगों के कमेंट्स भी काफ़ी सारे आ रहे हैं सेनेट को एक बार फिर पढ़ा दें उसकी समझ नहीं आ रही मैं पढ़ा देता हूं सेनेट को एक तो फिर बता दूंगा कि सेनेट जो है वो क्या है वफाकी जो शोभा जाती हैं उनको हमने देखना है जी वफाक सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कहा जाता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस ये जिस तरह वजूद में आती है उसमें जो जो शोबे होते हैं उनकी डिटेल हमने पढ़नी है वफाकी इंतज़ामिया के जो मुख्तफ़ शोबे हैं वो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको बात जो है वो समझने में आसानी हो जाए वफाकी इंतज़ामिया का सबसे पहला शोबा जो है वो है सदर का सेक्रटरी सेक्रट लें जी सदर का सेक्रेटरीट सेक्रेटेरिएट इसको बोलते हैं इसके बाद है जी वजीर आजम का सेक्रेटेरिएट इसके बाद है जी मरकजी सेक्रेटेरिएट इसके बाद है वजारत इसके बाद है डिवीजन इसके बाद है मुंसलिका महकमा इसके बाद है मतहद दफ्तर मिस्त्र है जी ख़ुद मुख्तार और नीम ख़ुद मुख्तार अदारे ये वो तमाम शोभा ज़ात हैं जो हमारे वफाकी इंतज़ामिया के अंदर पाए जाती हैं पहले थोड़ा गौर से बात को सुनना है समझना है कि एक अकेला सदर या एक अकेला वज़ी आजम जो है वो इस मुल्क को नहीं चला सकते हैं ना ही वो सारे जो हेड्स हैं उनको मतलब वो अपने कंट्रोल में रखते हैं बल्कि एक पूरा शोबा एक पूरी काबीना जो है वो बनी होती है उस काबीना के अंदर शोबे होते हैं और हर एक के जिम्मे जो है वो अलग अलग काम होते हैं उन अलग अलग कामों को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है मुखल शोबा के निजाम को चलाने में असल में जो आपका वफाकी इंतज़ामिया का शोबा है ये ओवरऑल पूरे मुल्क को देखता है चूँकि आपने पढ़ा था कि तीन शोबे होते हैं एक अदलिया का शोबा है एक इंतज़ामिया का शोबा है एक मकन्ना यानी पार्लियामेंट का शोबा है तो ये तीनों शोबे मिलकर जो है वो पैरेलल तरीक़े से मुल्क को चलाते हैं जी बिल्कुल आज मैं आपको मंथली टेस्ट का सिलेबस ज़रूर बता के जाऊँगा हादिया साहिबा इस टॉपिक को मुकम्मल कर लें फिर आप सिलेबस को डिस्कस करते हैं मैं मोबाइल जो है वो सामने रख लिया हुआ है आज ताकि जो है वो टाइम के मुताबिक आपका लेक्चर जो है वो क्लोज़ कर सकें तो जो वफाकी इंतजामिया हैं इसका जो पूरी इंतज़ामिया का सबसे बड़ा जो हेड है वो सदर होता है लें जी इसका जो वफाकी इंतज़ामिया का सरबरा है वो सदर अब अकेला सदर जो है वो नहीं पाकिस्तान का सदर जो है उसका नाम किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि बहुत कम लोग जो हैं वो है क्योंकि सदर जो है असल में वो पूरे निज़ाम को चलाने वाला सरब्राह होता है लेकिन फिफ्टी ए टू बी का इस्तेमाल करते हुए बाज़ात सदर के इख्तियार जो हैं वो वज़ी अजम खुद इस्तेमाल कर सकता है तो पाकिस्तान में जो है वह सदर साहब का नाम बड़ा कम सुनने में आता है वेरी गुड बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इनका कोई बयान जो है वो सुना होगा आरिफ अलवी साहब का अलवी साहब जो हैं वो हमारे मुल्क के सदर हैं लेकिन बदकिस्मती से वो बस दीवार के पीछे छुपे रहते हैं और ऐसे करके देखते हैं ऐसे करके यार अच्छा मेरी ज़रूरत है नहीं है तो मैं चला जाता हूँ खैर ये एक जोक था तो जो सदर का है सदर का सेक्रट्रियट है वो इस्लाम में इसका सरबरा जो है वो सदर होता है और इसका जो है वो इनका जो इनका जो हेड ऑफ़िस है वो इस्लामाबाद में चूँकि वफाक इस्लामाबाद में है ना इसलिए आपने जो है जी हाँ बिल्कुल लेकिन हम यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं नहीं वो ममनू हुसैन पिछली हुकूमत में था बल्कि वो तो ममनू हुसैन ही हो गया था ममनून नहीं रह गया था चले जी हम सबक की जाने वापस लौटते हैं इनका जो सरबरा है वो सदर होता है सेकट्रीट का सेकट्रिएट मतलब नॉट ओनली वन पर्सन इट इज अ फील्ड इन विच मैनी डेजिनेशन आर वर्किंग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री तो जो इसका सदर का सेक्रटरीट पूरा शोबा है उस पूरे शोबे के अंदर जो है वो सरबरा सदर होता है सदर दफ्तर जो है वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर है और इसके साथ पूरी एक कबीना जो है वो काम करती है और इसका काम जो है वो वजीर अज़म के सेक्रटरीट के साथ ताल्लुक़ लेना अहकाम देना अहकाम लेना इस पूरे शोबे का काम है लेकिन उसको डील जो है वो कौन करता है वो सदर करता है अब यहाँ पर पाकिस्तान के सदर का जो नाम है वो मैं लिख देता हूँ ताकि जिन दोस्तों को नहीं पता वो लिख लें उनका पूरा नाम आरिफ़ अलवी है लेकिन वो पीएचडी होल्डर हैं इसलिए उन्हें जो है वो डॉक्टर आरिफ अलफी कहा जाता है चलिए जी अगले शोबे की जानने पाते अगला शोबा है वज़र अजम का सेक्रट्रिएट अब इसका जो सरबरा है वो वजीर अज़म होता है जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो हैं वो इमरान ख़ान साहब हैं बल्कि आप लोगों ने चूँकि यूथ ही है ना यानी कि यूथ से ताल्लुक़ रखने वाले तो वो लोग इस गाने पर बड़ा डांस करते हैं नचना भी नचना इमरान खान के नाल नचना है तो खैर वो आ, अपने सबों को थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के लिए इस तरह की बात जो है वो की जाती है जो सदर का जो वज़र अजम का सेक्रटेट है इसका जो सरबरा है वो वज़र अजम होता है इसके पास पूरी एक जो इंतज़ामिया है अब इसका काम क्या है ये इंतज़ामी दफातर की निगरानी करता है और उनके इंतजामी अमूर का जायज़ा लेता है इसका सरबरा जो वज़र अजम है वो इंतजामिया की कारदगी के लिए पार्लीमेंट के सामने जवाब दी यानी यह अकेला वज़र अजम जो है वो कुछ भी इमरान खान साहब कोई बयान देते हैं या वो कोईन करते हैं तो वो उनका अपना अकेले का फैसला नहीं है तमाम लोगों ने जो जवाब है वो वजी अजम को देना है लेकिन ये वजीर अजम जो है वो अकेला कुछ भी नहीं है इसका जो है इसने जो भी काम करना जो भी बयान देना जो भी कानून बनाना है उसका जो है वो पार्लियामेंट को जो है इसने जवाब देना है तमाम अपने कामों का तमाम बातों का अगर गौर से देखा जाए तो ये सारे एक ही थाली के चटे बटे हैं और ए, मिल मिला के सारे काम करती हैं और अपोज़िशन जो बड़ी ज़ोर शोर से मुखालफत करती है अगर अपोजिशन जो है वो ना चाहे तो जो टू बाय थ्री जो मेंबर्स हैं वो एग्री ना करें पार्लियामेंट के तो फिर कोई भी कानून जो है वो पास नहीं हो सकता टैक्स नहीं बढ़ाए जा सकते हैं बिल नहीं बढ़ाए जा सकती हैं जो मुल्क के अंदर दौलत है उसका इस्तेमाल गैर ज़रूरी नहीं किया जा सकता है वो चूँकि सबकी भगत होती है इसलिए वो सारे मिल मिला के काम करते हैं और मीडिया पे लोगों के सामने एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं और कोई फौज को बुरा कहता है कोई वजीर अजम को बुरा कहता है जबकि ये पूरी जो कबीना है वो सारे के सारे मिले हुए हैं चले जी क्या हो गया भाई इसके बाद है जी मरकजी सेक्रेटेरिएट मरकजी सेक्रेटेरिएट जो है ये एक ऐसा शोबा है जो सदर के सेक्रेटेरिएट और उसकी पूरी टीम वजी अजम और उसकी पूरी टीम के दरमियान जो इंटरकनेक्टेड करने वाला एक फील्ड एक शोबा है इसी वजह से जो है मरकज़ी सेक्रेटरी का नाम दिया गया है क्योंकि ये वज़ी के सेक्रटेट और सदर के सेक्रटेट के अहकाम एक दूसरे तक पहुँचाते हैं कागजी कार्रवाई मुकमल की जाती है और एक दूसरे के जो रिकॉर्डस हैं वो मरकज़ी सेक्रटेट के पास महफूज होते हैं इसके बाद आ जाए वजारत वजारत जो है एक पूरा शोबा है ये मुख्तु डिवीज़नों पर मुश्तमल होता है वजारत जो है वो डिवीज़नों पर मुश्तल होने की वजह से इसका अहम काम जो है वो पॉलिसियाँ बनाना ना सिर्फ बनाना बल्कि उन पॉलिसीज़ को लागू करना अब जो पार्लियामेंट है उसका काम था कानून बनाना और मुल्क के जो टैक्स के पैसे उनको देखना अदालती इख्तियार को देखना यानी बड़े जो हेडशिप वाले जितने भी शोबा जात हैं उन सब को डील करना जो है वो पार्लियामेंट का काम है उसके बाद आपकी वजारत आती है वजारत अपनी जगह पर एक पूरी कमेटी एक कोर कमेटी एक यूनिट है जो डिवीज़न पर मुशतमल होती है और वो डिवीज़न् जो वो ना सिर्फ पॉलिसीज़ बनाती हैं बल्कि उन पर अमल भी करवाती हैं इससे वजारत का ज इंतज़ामी सरबरा है वो सेक्ट्री होता है अब सेक्रेटेरीट का जो है इसमें भी गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं वजारत का जो सर, इंतज़ामी सरबरा याद रखना एम सी क्यू में आ सकता है वजारत का इंतजामी सरबरा जो है वो एक सेक्रटरी होता है जो कि बाईसवें ग्रेड का ऑफिसर है यानी वो सियासी पार्टियों का बंदा नहीं होता बल्कि वो रियासत पाकिस्तान स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मुलाजिम है यानी गवर्नमेंट मुलाजम वफाकी वजी वजारत और वज़ी अजम के दरमियान रबे का काम करता है यानी वजारत की कारकरी से वज़र अदम को वक्ता फवतान आगाह करता रहता है अब मुख्त वजारतें बनी हुई हैं जैसे वजारत दाखिला वजारत ख़ारजा जैसे जो है वो वजारत तलीम वजारत सेहत वजारत रेलवे तो मुख्तु किस्म की जो वजारतें बनी हैं वो अपनी एक जगह पर एक मकम्मल यूनिट एक अकाई हैं उनके पास पूरी टीम होती है पॉलिस को बनाते हैं लागू करते हैं और जो वफाकी वज़ीर है यानी इसका जो वफाकी जो हेड होता है वो और जो सेक्रेटरी है ये उनके काम सेक्रेटरी का काम है उनके काम को देखना परखना और उनके काम को दुरुस्त अंदाज से करवाना और वजीर जो इसका वफाकी वज़ीर है उसकी जिम्मेदारी है कि सारे काम की रिपोर्ट बनाना और वज़ी को देना और वज़ी से जो है वो ऑर्डर लेना इसी तरह जो है डिवीज़न की मैंने बात की थी जी बिल्कुल डिवीज़न की बात की थी कि जो वजारत है वो डिवीजन पर मुश्तम डिवीज़न क्या चीज़ है डिवीज़न जो है वो अपनी जगह पर काम करने वाली एक यूनिट है जैसे अगर वजारत तलीम की बात करें तो इसमें जो है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अलग डिवीज़न हैं जो स्कूल हैं वो अलग डिवीज़न हैं जो कॉलेज हैं वो अलग डिवीजन हैं उनके अंदर मुख्त मुलाजिम काम करते हैं उसमें सिर्फ टीचर्स नहीं आते उसमें सबसे पहला जो है वो गार्ड का अमला है उसके बाद पी हैं उसके बाद जो क्लरिकल स्टाफ क्लर्क हैं फिर टीचर्स हैं फिर उनके हेड मास्टर्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं फिर उनके साथ साथ जो है वो वफाकी वजीर तलीम जो है वो शफकत महमूद है पाकिस्तान का जो पंजाब का वजीर तलीम है उसका नाम जरा बताएं मुझे चले जी अपने मौजू की जानव वापस लौटता हूँ कि इसमें हमारे पास जो है जैसे अगर हम देखें ई डी ओ होते हैं डी ओज होते हैं और उसके बाद पेपर बनाने वाली जो है वो अलग डिवीज़न होती है पेपर चेकिंग की जो है वो अलग डिवीज़न होती है इसी तरह आपके पास जो है वो किताबें बनाने वाली टेक्स्ट बोर्ड की अलग डिवीजन यानी एक कम्प्लीट पार्टी एक कम्प्लीट जो यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री है वो डिवीज़न कहलाती है इस डिवीजन के अंदर जो है वो सियासतदान भी होते हैं, सियासतदान भी शामिल हैं जिनको पाँच साल के लिए रखा जाता है और सियासतदान जो हैं वो भी शामिल हैं साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो मुलाजिम हैं वो भी शामिल हैं इसी तरह जो है डिवीज़न का जो इंतज़ामी सरबरा है वो एडिशनल सेकट्री होता है अब वजारत का जो इंतज़ामी सरबरा है वो सेकटरी डिवीज़न का जो है वो अडिशनल सेक्रटरी यह बाईसवें ग्रेड का ऑफिसर होता है और जो डिवीज़न का सरबराह है इंतजामी वो इक्कीसवीं ग्रेड का ऑफिसर होता है आ, ये काम क्या करता है जी ये वजीर अज़म और डिवीज़न के दरमियान रबते का काम कर यानी वजे अजमत ख़ुद जो है वो डिवीज़न से भी जवाब दे हो सकता है वजारत से भी जवाब दे हो सकता है मरकजी सेकट्रिएट से भी जवाब दे हो सकता है लेकिन ये वजी अजम जो है वो हर बंदे से फर्दन जाके नहीं पूछेगा हर शोबे के अंदर इंतजामी सरबराह रखे हुए हैं जैसे सैक्ट्री है एडिशनल सेक्ट्री है इसी तरह मरकज़ी सेक्टरी है तो वो सैक्टरीज जो हैं वो क्या करती हैं कि वो वजी अजम को के साथ उनका रबता रखते हैं पॉलिसीज़ बनती हैं उन पर अमल किया जाता है इसी तरह जीसलिका मुनसलिका महकमा मुनसलिका मतलब जुड़ा हुआ हर वजारत या डिवीजन में एक या एक से ज़्यादा मुनसलिका महकमे होते हैं जिनका बराह रास्त यानी डायरेक्ट तल्लक जो है वो डिवीन के साथ होता है या वजारत के साथ होता है और पुलिसियाँ बनाने में उनकी मदद करता है पोलिसियों को लागू करने का इख्तियार भी इन्हीं के पास होता है जैसे कि टेक्सट बुक बोर्ड तालीम के मैदान में पुलिस के मैदान में जो है वो एक तो पंजाब पुलिस है सिंध पुलिस है एक जो है वो वफाकी पुलिस है इसके साथ कुछ नए शोबादार बनाए हैं जैसे कि टेररिस्ट काउंटर डिपार्टमेंट टीडीसी जिसको कहा जाता है टीसी सी हाँ टी सी इसके बाद जैसे डॉल्फिन पुलिस जो है वो बनाई गई है तो ये मुंसलिका महकमे हैं जो वजारत के अंडर आते हैं और यह डिवीज़न के अंडर आती हैं और यह आजादाना तौर पर काम कर सकते हैं इसी तरह जो हैं वो मतहद दफ्तर होते हैं यानी हर मुनसलिका महकमे के साथ कई और दफ़ातर भी हैं जिनको जैली दफातर कहा जाता है जी सी टी डी आप कह लें वो काउंटर टेरिस डिपार्टमेंट है जी बिल्कुल सी टी डी ही है बस समझ जज्बात में आके कुछ और बोल गया था उसके लिए माजरत चाहता हूँ यह जैली दफ़ातर ख़ास फ्राइज़ सर अंजाम देते हैं और तमाम सरगर्मियाँ अंजाम देने के जिम्मेदार होते हैं मतहद दफ्तर का सरबरा डायरेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है इसी तरह जो है वो खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारे हैं ऐसे अदारे जो हुकूमत की मदद करते हैं फ़लाही काम करती हैं वो या तो बिल्कुल आज़ाद होती हैं या उनके कुछ शोभा जात जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होती हैं जैसे पेफ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो नीम ख़ुद मुख्तार अदारा है इसी तरह कुछ आज़ाद अदारे भी हैं ख़ुद मुख्तार अदारे भी हैं जो हकूमत की मदद करती हैं हकूमत उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकती लेकिन ये प्राइवेटली जो हैं वो काम को ज़रा तेज़ी से देती हैं और गवर्नमेंट जो है उनकी आ, उनके कामों को देखती हैं उनकी हेल्प वोट जो है वो जल्दी कर देती है ठीक है जी यहाँ तक आपका टॉपिक जो है वो मुकम्मल हुआ आपके जो लेक्चर के पाँच मिनट बाकी हैं बीस पे ख़त्म होना था तो मैं ज़रा तो आपका सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लूँ आपको बता दूँ कि आपका सिलेबस जो है वो क्या है जो लोग आज क्लास में मौजूद नहीं आप कलन को बता सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस का हिस्सा है हमारे सेकेंड मंथ के सिलेबस में जो था वो शामिल था सबक नवाब मौसन मलिक तक अगला सबक आपका जो है वो है अकबरी की हबाकतें और एक आपने पढ़ा है पहली फता दो उसबाक आपके शामिल होंगे इसके साथ आपकी जो नज़में हैं वो आदमी और ख़ताबा ने इस्लाम ये दो नज़में शामिल होंगी इसी तरह आपका जो है वो होगा ग़ज़लें होंगी तो गज़लें जो हैं वो ग़ुल हमदानी मुस्फ़ी की गज़ल जब तक दुनिया में जब तक के मैं दुनिया में जब तक कि मैं दूगी रहा और बस के दुशवार है हर काम का आसान होना इसके बाद लामा साहब की दो गज़लें हैं जब इश्क सिखाता है अदाब खुदा गाही और न तख्त ताज में न लश्कर व सिपाही में है ये आपका जो है वह सलेबस है ख़तूत अगर कहती हैं तो मंडे को दो आपको खत्ज हैं वो करवा दिए जाएंगे ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो मजीद साथ शामिल हो जाए मंडे uh, और ट्यूसडे दो दिनों में जो है वो कोशिश करेंगे आपको एक तो खतूत करवाए जाए उर्दू के और साथ दूसरा आपको जो ग्रामर है वो एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दी जाए ग्रामर में आपकी जो है चलें अगर खात नहीं भी करें तो ग्रामर तो आपकी जो है वह करनी है मेरा ख़्याल है खतूत कर लें वो ज़्यादा दस तो टोटल खाते हैं जिनमें से तीन हमने किए हुए हैं ग्रामर तो आपकी हर सिलेबस में शामिल होनी होनी है ग्रामर में रमोजे अवकाफ़ हैं उसमें हम दादी फे अफ़ाल के इस्तेमाल हैं उसके बाद आपकी कुछ शेरी असलाहत जो हैं वो शामिल हो सकती हैं फिर आपकी जुमलों की मुताबकत जो है वो पेपर में आ सकती है ग्रामर तो आपकी होनी होनी है और मैं हर दफ़ा उसको रिवाइज करवाता हूँ तो कल कल से मुराद नेक्स्ट वर्किंग डे है इन शे जो है वो अपनी ग्रामर भी रिवाइज़ करेंगे और साथ दो ख़तूत भी पढ़ लेंगे आपका भी जो है वो कोई तीन मिनट बाकी हैं लेक्चर के आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं क्योंकि अगला जो आ, है टॉपिक लेंथी है वो तीन मिनट में आ, कवर नहीं हो सकता तो पार्क स्टडीज का जो है वो नेक्स्ट सेशन में हमने पढ़ना है ओहदेदार पढ़ने है। पार्क स्टडी का सिलेबस हाँ जी पार्क स्टडी का सिलेबस बता देता हूँ आपको आ, पार्क स्टडीज का जो है वो आपके साथ शेयर किया हुआ था जी बिल्कुल याद आ गया मैं सैनट का बता देता हूँ आपके जो है वो चैप्टर नंबर वन और टू जो हैं वो पहले दो टेस्टों में शामिल थे पाकिस्तान का जग्राफिया और पाकिस्तान को जम इस्लामी जमहूरिया बनाने के इकदाम दो चैप्टर जो हैं चैप्टर नंबर थ्री और फोर आपके पेपर का हिस्सा होंगे और आपका जो है वो आते हैं जी सैनट के बारे में सैनट जो है उसको इवान बाला कहा जाता है यानी आप यूं समझ लें कि आपका जो पार्लियामेंट है इसके मजीद जो है वो दो शोबे होते हैं एक है कौमी असम्बली और दूसरा जो है वो है सेनेट अब पार्लियामेंट के कोलर कान जो हैं वो होते हैं थ्री फोर्टी सिक्स इनमें से आपका जो है थ्री और फोर दो चैप्टर हैं जी आपके पार्क स्टडीज के थ्री फोर्टी सिक्स होते हैं जिनमें से थ्री फोर्टी टू मेबर्स जो हैं वो आपके कौमी असम्बली के होंगे वन जीरो फोर जो हैं वो सैनेट के होंगे यानी जिन नुमाइंदों को मुल्क भर से हम चुनते हैं जिन नुमाइंदों को हम मुल्क भर से चुनते हैं वो नुमाइंदे जो हैं वो सारे मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं है, एम पी ए हैं एम एन ए हैं चेयरमैन हैं ये सारे जब हम वोटिंग करते हैं तो उस पर नहीं लिखा होता कि ये वज़ी अजम का वोट है ये सेकट्री का वोट है ये स्पीकर का वोट है बस वो एक सियासी पार्टी होती है हम उस सियासी पार्टी के नाम को मोहर लगाते हैं उनका जो ए, इलामती निशान होता है जिसको इंत निशान कहते हैं उसके ऊपर मोर लगाते हैं उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर अपने जो अफराद फैलाए होते हैं हर पार्टी के अबाउट जो हैं वो 346 या 350 तक जो है वो मेंबर्स हर पार्टी के पूरे मुल्क के अंदर फैले होते हैं हर इलाके के अंदर जो है वो फैले होते हैं जो सियासी पार्टी जीतती है वो पार्टी के 346 मेंबर्स जो हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं फिर सिर्फ उसी पार्टी के नहीं होते जो अपोजिशन अपोजिशन है मसलन एक यूनियन काउंसिल से या एक इलाके से जो है वो पीटीआई का एक शख्स हार गया उसकी जगह पर नो लीग का जीत गया तो जो जीतने वाले खास हैं उनको मिला के थ्री फोटी सिक्स मेम्बर्स इकट्ठे करेंगे जिनको एक थ्री टू जो हैं वो कौमी असम्बली में और वन ज़ीरो फोर जो हैं वो सैनट में रखे जाएंगे अब उनकी डिग्रीज जो हैं वो और उनकी जो काबिलियत है उसके मुताबिक यानी इस पार्लियामेंट के दो हिस्से बनाए जाते हैं ये जो कौमी असम्बली के मेम्बर्स हैं ये इनका अरसा मुदत जो है हकूमत का वो पाँच साल होता है और सैनट वालों का छः साल होता है पहला फ़र्क तो इनमें ये आ गया दूसरा आ, ये दोनों मिलकर जो हैं वो कानून पास करवाते हैं इनके पास जो है वो वफाकी कानून होता है और इनके पास जो है वो इंतज़ामी मामला होते हैं यानी जो ओवरऑल पार्लियामेंट की जिम्मेदारियां हैं वो इन दोनों में डिवाइड हो जाती हैं जब तक इन दोनों की मुशावरत नहीं होगी उस वक्त कोई कानून जो है वो पास नहीं होगा इनको कुछ इंतज़ामी मामला दिए जाते हैं कुछ शोबे इनके हिस्से में आते हैं कुछ शोबे इनके हिस्से में आते हैं और ये दोनों कॉपोरेशन से जो है वो अमल अमल दरामद करते हैं अब चूंकि दो अलग अलग शोबे बना दिए पार्लियामेंट के जैसे कि एक स्कूल के अंदर एक क्लास के दो सेक्शन जो हैं एफएससी के दो सेक्शन रखे जाते हैं तो उसमें हम एफएससी के दो सेक्शन कैसे करते हैं एक वो जिनकी फ़िजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है वो लहदा ग्रुप में एक वो जिनकी फ़िजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो लहदा ग्रुप में इसी तरह जो पार्लियामेंट है उसके दो ग्रुप्स बना जाते हैं एक को कॉम असम्बली और दूसरे को सैनट कहा जाता है इनके मेम्बर्स की डिवीज़न सूबों के ऊपर कैसे की जाती है अकलीतों और औरतों पे कैसे वो डिटेल बुक पे दी हुई आपने वहाँ से पढ़ लेनी है इसी तरह जो सेनेट हैं सैनट के जो अरकान हैं वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं और यूँ समझ लें कि ये इंजीनियरिंग वाले हैं और ये मेडिकल वाले हैं तो इनके कुछ काम इनके सेम होंगे कुछ इनके सेम इन दोनों के सेम सेम काम होंगे कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ कौमी असम्बली के हिस्से में आएंगे कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ सेनेट के हिस्से में आएंगे ठीक है जी और कोई सवाल हो आपका जी बिल्कुल वो सारी बातों का हम इलम है लेकिन क्लास के अंदर इस तरह दूसरों पर तनकीद करना मुनासिब नहीं है कोई सियासी फॉर्म नहीं है फॉरम नहीं है कि हमें सियासी फॉरम पर जो है वह दूसरों के किरदार को डिस्कस करें अल्लाह आपको तफ़ीक दे आप पढ़ें आपकी तरबियत जो है वो सही खतूत पर हो आप सियासत में आए अल्लाह ताला आपको मौका दे आप खुद मुल्क के हालात संवार सकते हैं आने वाला कल जो है वो आप लोगों के हाथ में है जी आधे लोग रिटायर इस तरह जाते हैं कि इन इन्होंने एक दफ़ा सेलेक्ट होना है और एक दफ़ा इन्होंने रिटायर होना है इनके जो शुरू किया गया पहले साल में फ़र्ज़ करें इनके जो हैं वो फिफ्टी या फिफ्टी 53 या 52 मेंबर्स थे तीन साल के बाद उनको रिटायर अब टोटल कितने हैं वो हो गए 104। उनमें से 52 जो हैं वो तीन साल के बाद रिटायर कर दिए अब यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पर हो गई जगह खाली अब फिर क्या होगा यहाँ पर फिर जो है वो इलेक्शन होगा नए मेंबर्स जो हैं या इनमें से या नए मेम्बर सेलेक्ट किए जाएंगे और उनकी तादाद 52 टू के इसको फिर जो है वो पूरा कर लिया जाएगा Uh, दोनों के जो है मैंने आपको बताया जैसे मेडिकल और जो इंजीनियरिंग के शोबे हैं आप चूँकि तालब इलम है एफ एस सी को बेहतर समझ सकते हैं तो उसमें क्या होता है इंग्लिश सेम होती है उसमें क्या होता है जी इंग्लिश सेम है उर्दू सेम है पाक स्टडीज सेम है फिज़िक्स सेम है केमिस्ट्री सेम है एक सब्जेक्ट का डिफरेंस है एक का मैथ है एक का बायोलॉजी है इसी तरह जो है इनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ सेम है और कुछ जिम्मेदारियाँ अलग अलग हैं अगर तादाद के तनास से देखा जाए तो कौमी असम्बली जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा हाई होती है लेकिन अगर जुम्मेदारी और इख्तियारत और अगर उनके वसी को देखा जाए तो, तो सैनट जो है वो उनसे बेहतर होता है यानी जो एक में कमी है वो दूसरे में ज़्यादाती होगी जो दूसरे में ज़्यादाती वो पहले में कमी होगी इस तरह करके इनको डिवाइड किया जाता है नेशनल असेंबली और सैनट में से जो है वो हर किसी की अलग अलग ज़िम्मेदारियाँ हैं कुछ शोबों में इनकी जो इनकी कॉपरेशन है वो ज़्यादा होती है इनके इख्तियार ज़्यादा हैं और उस जिस शोबे में इनके इख्तियार ज़्यादा है उसमें सैनट के काम होंगे इसी तरह कुछ शोबे ऐसे हैं जिनमें सैनट के इख्तियार ज़्यादा हैं और कौमी असम्बली के काम होंगे नहीं जी पाँच मिनट ऊपर भी हमने ले लिए अभी तो कह रहे थे कि सर टाइम पाँच मिनट पहले फ्री हो गए जल्दी इसे क्लास को क्लोज़ करें अला हाफ बाक़ी बातें कल के लिए रखेंगे तो अगली क्लास में आपने भी जाना है मैंने भी जाना है